हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें देसी में सीखो चैनल को और दबाए इस बेल आइकन को ताकि वीडियो मिले सबसे पहले आपको। हेलो दोस्तों एंड वेलकम। दोस्तों आप देख रहे हैं देसी में सीखो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग विंडोज़ 10 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जानेंगे जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो ये चीज़ जानने के लिए ऑफकोर्स आपको वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मैं आज बताने जा रहा हूँ ये आपको आपके ब्लॉग के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। आपके जो पोस्ट बनाते हैं ब्लॉग पे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के या व्हाटएवर किसी तरह के भी पोस्ट बनाते हैं, कुछ स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाना चाहते हैं, वो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग करके आप अपने ब्लॉग के पोस्ट पे लगा सकते हैं, डाल सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं, व्हाटएवर ऐसा किसी भी चीज़ के लिए। ओके, एक्चुअली ये विंडोज़ रिकॉर्डिंग होता है ये, पर ये थोड़ा अलग टाइप का रिकॉर्डिंग है। जो आप वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये विंडोज़ 10 के कुछ हिडन फीचर्स है जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होती है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एक चीज़। ठीक है, मैंने भी ब्लॉग पे एक पोस्ट इस तरह से क्रिएट किया था, उसे पर्सनली उसे आप डिवाइड करके या फिर किसी तरह भी कस्टमाइज करके आप ब्लॉग पे यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंटली ये पोस्ट बनाने के लिए ही होता है, ये फीचर जो दिया गया है ये पोस्ट बनाने के लिए ही दिया गया है। जैसा वीडियो को रिकॉर्डिंग करने के लिए वीडियो का रिकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह का ब्लॉग पे या वेबसाइट पे पोस्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह या ऐसा कोई भी चीज़ जो आप स्टेप बाय स्टेप लोगों को समझाना चाहते हैं, तो ये आसानी से मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगा और वो पोस्ट आपका तैयार हो जाएगा, देन उस पोस्ट को आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का रिकॉर्डर है जो कि विंडोज़ 10 में इनबिल्ड है, वो दिया हुआ, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा अगर आपका विंडोज़ 10 है। तो सेम आप मेरे तरीके को फॉलो करो, आप देखेंगे इस वीडियो में मैं आपको क्या कुछ डिफरेंट करके दिखाऊंगा। ऑफकोर्स ये आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है और आप जरूर इसे यूज़ करना चाहेंगे, यूज़ करेंगे भी। तो खैर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए सिंपली उस वीडियो की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं विंडोज़ 10 के कुछ हिडन फीचर्स और वो कौन सा रिकॉर्डर है, उसे कैसे यूज करेंगे, उसका क्या यूजेज है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप वीडियो के साथ सिर्फ बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, किस तरह की वीडियोज़ मैं अक्सर लाता रहता हूँ जब आपके लिए इंटरेस्टिंग और यूजफुल होते हैं, तो बिना टाइम गए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। सबसे पहले हम लोग आए थे अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है, अभी हम लोग करने क्या वाले हैं। मैंने अपने विंडोज़ 10 से VLC को अनइंस्टॉल कर दिया। ओके, मैं ये मान लीजिए ये आपका मैं छोटा सा एप्लीकेशन VLC है, पर आपके सामने कुछ बड़ा एप्लीकेशन जिसे आप लोगों को इंस्टॉल करके पिक्चर लगाना चाहते हैं, फिर देन टेक्स्ट लिखेंगे, क्लिक दिस सॉफ्टवेयर, देन राइट क्लिक, देन ये, देन वो, इमेज भी शो करेगा, देन टेक्स्ट भी आपको शो करेगा, उस सॉफ्टवेयर को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उस तरीके से कुछ। आपको अगर बात से समझ में नहीं आई तो वीडियो आप देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। जैसे कि मेरा ये सॉफ्टवेयर है, मैं इसका इंस्टॉलेशन का एक प्रोसेस बताना चाहता हूँ लोगों को कि आप इस तरह से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। ओके, देखिए वो मैं चीज़ कैसे बताता हूँ। मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, मैं इसे फिर से इंस्टॉल करूँगा। अभी सबसे पहले आप यहाँ से सर्च में जाए, यहाँ पर लिखे स्टेप्स लिखे, ये देखिए स्टेप्स रिकॉर्डर आ गया यहाँ पे। ओके, सिंपली इस पर क्लिक करें, ये यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन हो गया। अब क्या करना है आपको, इसमें एक दो तीन चीज़ें बात ध्यान रखने वाली बात है, इसमें आपको फजूल क्लिक नहीं करना, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद कहीं पे भी एक्स्ट्रा क्लिक नहीं करना, जितना भी क्लिक करना है यूज़फुल क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, देन राइट क्लिक करना या रन करना या फिर डबल क्लिक करना, व्हाटएवर जैसा भी आपको ठीक लगे, वो टेक्स्ट में लिखा हुआ आ जाएगा, जो भी आप काम करेंगे वो टेक्स्ट में लिखा हुआ आ जाएगा विद पिक्चर के साथ। समझ गए होंगे आई थिंक, अब मेरा बात आपको धीरे धीरे आपके माइंड में क्लियर हो रहा होगा। तो अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, अब इतना बात ध्यान रखें कि फजूल क्लिक आपको नहीं करना है ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद, नहीं तो वो भी आपका इनबिल्ट कंटिन्यू मतलब रिकॉर्ड में आता जाएगा, इसलिए फजूल क्लिक नहीं करना है। फजूल मीन्स आई थिंक नहीं समझाऊंगे तो एक्स्ट्रा क्लिक नहीं करना है, यूजफुल क्लिक ही सिर्फ करना है। सिंपली स्टार्ट करता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट पर मैंने क्लिक किया, अब मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट करूँ, जब तक क्लिक नहीं करेंगे कहीं पर भी कोई भी चीज़ आपका रिकॉर्ड नहीं होगा। इस पर क्लिक करके राइट क्लिक, देन ओपन स्टेप बाय स्टेप, ताकि लोगों को समझ में आए। यस, फजूल के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। अब देखिए अभी इसका प्रोसेस पूरा निकल जाएगा विद इमेज के साथ कि मैं क्या कर रहा हूँ, जगह जगह पे आप क्लिक करते रहे, जो भी प्रोसेस आ रहा है आपको सब काम करते रहे, बस एक्स्ट्रा क्लिक नहीं करना। इतना इंटरेस्टिंग चीज, मुझे इतना अच्छा लगा ये चीज़ कि मैं बहुत एक्साइटेड हो गया आप लोगों को बताने के लिए। अगर आप ब्लॉग में ये काम करते हो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इस तरह आप इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बता दे, क्रैक बता दे, जितना भी व्हाटएवर जिस तरह का भी चीज़ है सब कुछ बता दे, देन फिनिश कर दे, डन, मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया, क्लोज, ये मेरा इंस्टॉल हो गया, डन, अब इसे स्टॉप कर देते हैं।
बस एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करके दिखा दी। अब देखें यहाँ पे एक पॉपअप खुल गया आपके सामने कुछ इस तरीके से, इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पे पूरा रिकॉर्डिंग स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप आपने क्या काम किया है सभी को इसने रिकॉर्ड कर लिया। जैसे कि स्टेप देखें, स्टेप वन में क्या किया आपने, लेफ्ट क्लिक ऑन द वीएलसी दिस वन लिस्ट आइटम एंड प्रोग्राम मैनेजर, लेफ्ट इसमें लेफ्ट क्लिक किया आपने। सेकंड में क्या किया आपने, लेफ्ट क्लिक इन द प्रोग्राम फाइल में देखे यूजर, राइट क्लिक ऑन द प्रोग्राम फाइल, इस पर राइट क्लिक किया मैंने, पहले लेफ्ट क्लिक किया उसको सेलेक्ट करने के लिए, देन राइट क्लिक किया यहाँ पे देखे, देन यूजर लिस्ट ऑन क्लिकेड ओपन पे क्लिक किया आपने। देन फोर्थ में क्या किया, ड्रैग दिस वन देन लैंग्वेज एंड देन डायलॉग बॉक्स एंड इंस्टॉलेशन लैंग्वेज, लैंग्वेज को सिलेक्ट किया देन ओके। अब देखिए कि मैंने कुछ भी सब अपना काम किया सिर्फ, लेकिन ये रिकॉर्ड पूरा स्टेप बाय स्टेप, स्टेप फाइव, स्टेप सिक्स, स्टेप सेवन, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया आपने सेलेक्ट किया, ये देखो ग्रीन और ऑटोमेटिकली हो गया, ये डायलॉग बॉक्स को रीड करें, यहाँ नेक्स्ट में क्लिक किया वीएलसी स्टेप प्लेयर एंड देन सेटअप, सेटअप में क्लिक किया यहाँ सेटअप लिख दिया। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप वो रिकॉर्ड कर देगा आपके प्रोग्राम को जो भी आप काम करेंगे। आप सोचिए इसे ब्लॉग में यूज करने में टाइम लगेगा, डेफिनेटली चुटकी बजाते ही इसे आप ब्लॉग पे पोस्ट कर सकते हैं। ये ऑफकोर्स ये आपको प्रोग्राम में मिलेगा, HTML के फाइल पे आप सेव कर सकते हैं। इसे सेव करते हैं, सेव पे क्लिक किया मैंने डेस्कटॉप पे, फॉर एग्जांपल देते हैं डेमो, डन सेव। अब इसे क्लोज कर देते हैं, अब इसे क्लोज करते हैं मैंने, ये हमारे एक zip फाइल आ गया डेमो, इसे क्लिक करके खोलते हैं। अब ये हमारे एक HTML का फाइल है जिसे आप आसानी से यूज कर सकते हैं अपने ब्लॉग पे। कुछ ये फाइल है आप इसको कॉपी करके और डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, ये फाइल है कुछ इसे कॉपी करके आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं अपने ब्लॉग पे, पोस्ट पे, जहाँ पे भी चाहे। स्टेप बाय स्टेप आपकी इंस्टॉलेशन तैयार हो गई है ना, यूजफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत पसंद आई, मैं एक्साइटेड हो गया ये आप लोगों को बताने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी डेफिनेटली पसंद आई होगी, आप भी इसे सिचुएशन और मौका पड़े तो जरूर इसे यूज करेंगे, क्योंकि ये वाकई में इंटरेस्टिंग है, यूजफुल है। आप अगर सोचे अभी वन बाय वन स्क्रीनशॉट लेते, नेक्स्ट लेते, उसका टेक्स्ट लिखते, फिर स्क्रीनशॉट लेते, फिर नेक्स्ट करते, टेक्स्ट लिखते, काफ़ी टाइम लगता है यार, ये तो बहुत आसानी से हो गया। सच में बहुत 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 अच्छी चीज़ है ये, अगर आप ब्लॉग पे काम करते हैं, वेबसाइट्स पे काम करते हैं, तो खास करके इन चीज़ों के लिए। अदरवाइज और भी आप अपने स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली इस तरीके से भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जरा सा भी वीडियो पसंद आई अच्छी लगी जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और इस वीडियो को लेकर किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। विंडोज 10 के और भी इस तरह के बहुत सारे फीचर्स में अपडेट्स आगे वीडियो में लाने वाला हूं, तो इस चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।